हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मोर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एजिथ्रोमाइसिन तो बेसिक यूज ऑफ मेडिसिन के ये वीडियो लेक्चर में हम एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि तो जिसके अंदर हम जानेंगे उसके मेकेजम ऑफ एक्शन के बारे में कि किस तरह से ये मेडिसिन काम करता है उसके डोजेस क्या होते हैं फिर उसके इंडिकेशंस कि कौन से कंडीशन में उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम ये लेक्चर में स्टडी करेंगे ऑफ द फार्माकोलॉजी तो एजिथ्रोमाइसिन की जो यूज़ुअल स्ट्रेंथ हम देखें तो 500 हंड्रेड का जो टैबलेट है एज पर द आईपी आईपी मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टू जो उसके जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग टू बना हुआ ये टैबलेट की जिसकी स्ट्रेंथ है फाइव हंड्रेड एम जी तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ये रहता है कि एजिथ्रोमाइसिन के हम यहाँ पे टेबलेट देखे तो वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है तो जानते हैं ये वीडियो लेक्चर में आगे डिटेल में अबाउट द एजिथ्रोमाइसिन तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मर तभी डाउनलोड कर, कर लीजिए आप फार्मर ऑक्स को और एक्सेस कर सकते हैं आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर तो सीखते हैं आप एजिथ्रोमाइसिन के बारे में तो एजिथ्रोमाइसिन इज एन मैक्रोलाइट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है तो ये सबसे पहले आपको याद रखनी है कि एजिथ्रोमाइसिन की जो मेडिकेटेड क्लास कौन सा है फार्माकोलॉजिकल कौन से क्लास का वो मेडिसिन है तो दैट इज ए मैक्रोलाइड एंड यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एजिथ्रोमाइसिन की जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है एंटीबायोटिक ड्रग है और वो बहुत सारे अलग अलग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि मिडल uh, ईयर कि ईयर इन्फेक्शन के अंदर ये हम यूज़ करते हैं जो स्ट्रैप थ्रोट हो जाता है या फिर सॉर थ्रोट जो हम कहें गले में खारास या फिर खिचखिचाहट जैसा होता है और उसके कारण सॉर थ्रोट रहता है थ्रोट पेन रहता है तो प्लस जो थ्रॉट के अंदर जो काफी रेडनेस जैसा होता जाता है जब हम देखते हैं कि थ्रॉट के अंदर काफी रेडनेस देखने को मिलती है तो ऐसे कंडीशन में ये एजिथ्रोमाइसिन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बताएं तो ये आरएक्स ओनली मेडिकेशन रहती है आरएक्स ओनली मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस मेडिकेशन की, की प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रिस्प प्रिस्क्रिप्सन के साथ ही आपको उसको यूज करनी है प्रॉपर प्रिस्क्रिप्सन एज वेल एज प्रॉपर जो सुपरविजर और गाइडेंस के साथ ही यूज़ करना होता है फिर न्यूमोनिया के अंदर भी ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब की जाती है कि जो न्यूमोनिया होता है तो उसके अंदर प्रिस्क्राइब किया जाता है ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर और इंटेस्टनल इन्फेक्शन्स तो ये सभी कंडीशंस के अंदर एजिथ्रोमाइसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैक्रोलाइट्स क्या है तो आर ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है मैक्रोसाइक्लिक लैक्ट्रॉन रिंग कि जब आप उनकी केमिस्ट्री पढ़ोगे उनकी केमिस्ट्री की स्टडी करोगे क्योंकि मेडिसिन एक टाइप के केमिकल कंपाउंड ही है कि तो समझो कि यहाँ पे क्लैरिथ्रोमाइसिन है एजिथ्रोमाइसिन है वो सब एक टाइप के तो केमिकल कंपाउंड ही है जिसके अंदर मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होती है और उनके साथ अटैच होते हैं सुगर्स तो कॉमनली यूज मैक्रोलाइट जैसे है कि एजिथ्रोमाइसिन कि जो हम वाइडली यूज करते हैं अभी लेटेस्ट फिर इरिथ्रोमाइसिन भी है क्लैरिथ्रोमाइसिन है एंड रॉक्सिथ्रोमाइसिन। तो सभी के पीछे देखो ये माइसिन लगते हैं दे आर द मैक्रोलाइट दे आर द मैक्रोलाइड्स और उनके अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग तो ये अबोट का आप देख सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन एज वेल एज क्लाइथ्रोमाइसिन की जिनकी स्ट्रेंथ भी है 500 हंड्रेड तो मैक्रोलाइड के अंदर फर्स्ट मेंबर जो है वो है इरिथ्रोमाइसिन की जो नाइनटीन के अंदर उसकी डिस्कवरी की थी तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी कि जो इरिथ्रोमाइसिन की जो हम बात कर रहे हैं वो 1950 के अंदर 1950 के अंदर सबसे पहले वो डेवलप हुआ तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए पिन पॉइंट है इरिथ्रोमाइसिन के बारे में फिर रॉक्सिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आर द लेटर एडिशंस और उसके बाद दूसरे दूसरे उसके क्लास के दूसरे जो मैक्रोलाइट्स भी डेवलप किए गए और उसी में से एक, एक हमारा है आज का मेडिसिन की जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज एजिथ्रोमाइसिन तो ये सब जान लिया आपने हिस्ट्री अबाउट द एजिथ्रोमाइसिन और उसका यूजेस तो मिकेनिज्म तो किस तरह से ये काम करती है तो एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट्स आती है तो एजिथ्रोमाइसिन क्या करता है इनहिबिट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस कि जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ये क्लास के मेडिकेशंस और इसी में से है ये हमारा एजिथ्रोमाइसिन एंड इफेक्ट ऑन रिबोजोमल ट्रांसलोकेशन। मतलब कि जो बैक्टीरियाज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी ये जो प्रोसेस है वो इनहिबिट कर देते हैं एजिथ्रोमाइसिन और जिसके कारण आगे जो है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती जिनके कारण वो उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है और धीरे धीरे उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है एंड उन उनकी डेथ हो जाती है द ड्रग बाइंड टू द सेम फिफ्टी एय सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल रिबोजोम एज क्लोरामफेनिकॉल एंड क्लिंडामाइसिन कि जो हमने पहले सीखा था क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक के बारे में तो उसके तरह ही एजिथ्रोमाइसिन भी जो रिबोजोम के 50S सब यूनिट के साथ बाइंड होके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं और जिसके कारण आगे जाके क्या होता है जो भी कोई माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो जाता है इनहिबिट और उसके कारण आगे ग्रोथ है वो अटक जाती है कोई भी माइक्रोब्स की और जिसके कारण जो है वो पेशेंट की जो माइक्रोब्स के कारण जो बैक्टीरिया के कारण वो बीमारी हुई थी वो बीमारी आगे जाके ठीक हो जाती है इज़ बैक्टीरियो स्टेटिक एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड बैक्टेरिया सीडल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन स्टेटिक मतलब कि ग्रोथ को इनहिबिट करना किसी भी माइक्रोबियल्स की जो ग्रेथ ग्रोथ के बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करना मतलब कि बैक्टीरियो स्टेटिक कि जब उसके लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि लो डोज में आप यूज करें आप उसको लोअर डोज के अंदर जैसे कि आप जस्ट 250 फिफ्टी का डोज ले पेशेंट को देते हैं 200 हंड्रेड स्ट्रेंथ में जब उसको देते हैं तो उस वक्त वो काम करेगा बैक्टेरियोस्टेटिक एंड बैक्टेरिया मतलब कि की उनको कील करना एट हायर कॉन्सेंट्रेशन तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रेंथ रहती है 500 हंड्रेड एम जी सिक्स हंड्रेड एम जी ऐसे स्ट्रेंथ रहते हैं एजिथ्रोमाइसिन के तो बैक्टेरियाडल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिज्म कंसर्न एंड इट्स रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो बैक्टेरियासीडल प्रॉपर्टी पे एक और चीज डिपेंड है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कितने अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उनका रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी कौन से रेट से बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं कि जो हम बात करते हैं कि टू रेस टू एन से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है बट टू रेस टू एन तो होती है बट उनकी जो स्पीड जो हम कहें उनकी ग्रोथ वर्सेस टाइम के टाइम के अकॉर्डिंग टू उनका कितना मल्टीप्लीकेशन होता है तो रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी जानना जरूर रहता है एंड एजिथ्रोसिन बाई इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस की बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को वो इनहिबिट करता है एंड बाइंड होता है विथ फिफ्टी एस रिबोजोम सब यूनिट एंड प्रिवेंट द ट्रांसलोकेशन और जिसके कारण आगे जाके बैक्टीरिया की जो ग्रोथ भी इनहिबिट होती है हो और वो हायर डोज में देने से वो किल हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम जब किल हो जाएगी उसके ग्रोथ ही नहीं हो जाएगी तो पेशेंट को जो भी डिसीज हुई थी डिसऑर्डर हुआ था वो बैक्टीरिया के कारण वो हो जाता है कंप्लीटली क्योर तो एजिथ्रोमाइसिन का जो हम स्पेक्ट्रम देखें तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कि कुछ सीमित बैक्टीरिया के लिए उसकी इफेक्ट अच्छी रहती है लाइक स्पेक्ट्रम इज सिमिलर टू जी मोस्टली ग्राम पॉजिटिव एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्यू ग्राम नेगेटिव बट मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के सामने उसकी इफेक्ट ज्यादा अच्छी है फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस हम देखें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हम देखें नेसेरिया गोनोरिया क्लोस्ट्रीडियम कोरिनो डिप्थेरिया लिस्टेरिया ये सभी बैक्टीरिया के सामने भी ये इफेक्टिव साबित होता है इसी के कारण आप देखिए कि उसको अलग अलग जो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस वगैरह होते हैं फिर न्यूमोनिया होता है किसी को गोनोरिया होता है डिपथेरिया होता है उस या उसमें भी उसको हम प्रिस्क्राइब कर दें इवन बैक्टीरियाज के कारण जब किसी को फीवर हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण और वो पायरोजेंस के कारण जब टेम्परेचर हाई होता है तो पैरासीटामोल के साथ वो फीवर के अंदर एजिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है जिससे पेशेंट का फीवर भी रिड्यूस होता है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण पायरोजेंस के कारण जब फीवर होता है तो वो क्योर हो जाता है फ्री एडिशन कैंपाइलो के सामने भी इफेक्टिव है लेजियोनेला है ब्रह्मा मेला है कैटारा से, है वजैनालिस से, माइकोप्लाज्मा, उस विच आर नॉट अफेक्टेड बाय पेनिसिलिन आर आल्सो हाईली सक्सेटिबल टू इरिथ्रोमाइसिन फिर मॉडरेटली सेंसिटिव टू इन्फ्लुएंजा पर्टूसिस ट्रेचोमेटिस एंड नाइसरिया मैनिजाइटिडीज एंड तो मॉडरेटली सेंसिटिव है ये सब बैक्टीरिया के सामने एंड इन इफेक्टिव अगेंस्ट सी एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैसेली जो ग्राम नेगेटिव बेसिली बैक्टीरिया होते हैं उनके सामने ये इन इफेक्टिव है कि जब डायग्नोसिस से पता चलता है कि आ, किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन होने का रीज़न एंटेरो सी है बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बेसिली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उस वक्त एजिथ्रोमाइसिन जो है वो इनफेक्टिव रहेगा बिकॉज इनके सामने वो उसका स्पेक्ट्रम ही नहीं है मतलब कि ये मेडिकेस ये बैक्टीरिया के सामने उसकी कोई इफेक्ट नहीं मिलती जबकि ये वाले जो हम देख रहे हैं ऊपर की ओर उसमें भी उसकी इफ़ेक्ट मिलती है मॉडरेट इफ़ेक्ट मिलती है इन्फ्लुएंजा पर्टूसिस के अंदर मैन के अंदर एंड रिकेसिया के अंदर साइड इफेक्ट्स देखिए एजिथ्रोमाइसिन के तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है पेशेंट को डायरिया होता है फिर रिवर्सिबल हियरिंग लॉस भी उनके अंदर देखने को मिलता है रिवर्सिबल हियरिंग लॉस डायरिया हो सकता है पेशेंट को उसके कारण एपीगैस्ट्रिक पेन हो सकता है पर्सन को उसके बाद हाइपर सेंसीटिविटी के तौर पे फीवर या फिर स्किन के ऊपर रेसिस भी हो सकते हैं कि जो स्किन रेसिस की हम बात करते हैं मतलब कि किसी पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी है ड्यू टू द एजिथ्रोमाइसिन तो जब आप उसको एजिथ्रोमाइसिन दोगे तो उसकी हाइपर सेंसीटिविटी के कारण उसकी एलर्जी के कारण वो पर्सन को फीवर हो सकता है उसकी स्किन ऊपर रेसिस डेवलप हो सकते हैं तो ये है उनके कुछ साइड इफेक्ट्स इंटरक्शन देखे तो इट इनहिबिट द हिपेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैनी ड्रग्स जैसे कि इट राइज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन कार्बेमेजिपिन वाल्पोरेट अर्गोटामाइन एंड वारफेरिन तो हिपेटिक ऑक्सीडेशन को करता है इनहिबिट तो कौन से मेडिसिन के तो ये थियोफाइलिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कार्बेमेजेपिन वाल्पोरेट ऐसे मेडिसिन तो जब ये सब मेडिसिन के ट्रीटमेंट चल रही हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में एजिथ्रोमाइसिन को एवॉइड करना चाहिए अवॉइड द कॉम्बिनेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन विथ थियोफाइलिन कार्बेमेजेपिन वाल्पोरेट अर्गोटामाइन वाल बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इनहिबिशन ऑफ पेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ दैट ड्रग बिकॉज ये जो एक्रोन है ये सब मेडिसिन का हिपेटिक ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर सकता है फिर जो दूसरे हम यूजेस देखे थे तो अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, कि जहाँ पे पेशेंट को पेनिसिलिन का हो चुका है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डेवलप है वैसे पेशेंट के अंदर पेनेसिलिन का तो ऐसे पेशेंट को आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं फिर स्ट्रैप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड मैस्ट्रो मेस्टो तो इसके कारण क्या होता है आपका ये सब डिजीज के अंदर यूजली कोई सिम्टम जो डेवलप होता है दैट इज जो हम बात करते हैं शुरुआत में कि स्ट्रैप थ्रॉट होना एज वेल एज थ्रोट जैसा हो जाता है कि जो थ्रोट इन्फेक्शन हम कहते हैं तो थ्रोट थ्रोट इन्फेक्शंस के अंदर एजिथ्रोमाइसिन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है उसके अलावा नेक्स्ट देखे तो अल्टरनेटिव टू प्रोफाइल ऑफ आर एफ एन एस ए बी ई के अंदर टीटेनस के अंदर एज वेल एज एच जी वन टू टी टी सीफिल्स में यूजफुल है लेप्टोस्पायरोसिस में है उसके अलावा फर्स्ट जो ड्रग फॉर अ टिपिकल न्यूमोनिया कोज बाय माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाले न्यूमोनिया के अंदर वो फर्स्ट चॉइस ड्रग है फिर वुपिंग कफ की जिसको हम कहते हैं पार्टोसिस एंड चैनक्रॉइड तो यह तीन कंडीशन के अंदर वो है डी ओ सी मतलब कि ड्रग ऑफ चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस तो ये अच्छे से आप याद रखिए आगे समझते हैं कैजिथ्रोमाइसिन इज यूज टू प्रिवेंट द मिडल ईयर इन्फेक्शन स्ट्रैप थ्रॉट सॉर थ्रॉट न्यूमोनिया ट्रैवलर्स डायरिया इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ये सभी के अंदर तो ये काफी इफेक्टिव साबित होता ही है दूसरे हम थेरापिटिक यूज़ देखें तो अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थेरिया टीटेनस सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो ये सभी जो यूजेस है आर अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन कि समझो कि डिप्थेरिया में पेनिसिलिन काम नहीं कर रही है तो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो रहेगी आर एक्स सेम लाइक दैट के पेशेंट को टिटेनस जिसको हुआ है डिप्थेरिया हुआ है सिफिलिस है है सभी के अंदर एचिथ्रोमेसिन जो है वो आपके इफेक्टिव साबित होगी सेकंड चॉइस ड्रग देखे तो फॉर ट्रैकोमेटिस इन्फेक्शन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेपाइलो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन लेजियोनरिस न्यूमोनिया ये तीन के अंदर और कैंपाइलो बैक्टेरिया एंटेराइटिस के अंदर ये रहेगी सेकंड चॉइस तो ये सेकंड चॉइस रहता है ये सब डिसीज के हैं तो एम एमसीक्यू के लिए एज वेल एज इंपोर्टेंट पिन पॉइंट के तौर पे ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है ड्रग इंट्रेक्शन देखे तो इट इनहिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ मेनी ड्रग्स इट राइजेस द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन कार्बेमेजेपिन वाल्पोरेट अर्गोटामाइन एंड वारफेरिन तो ये पॉइंट तो मोस्ट आईएमपी तो डायरिया फ्रॉम एन इन्फेक्शन विथ क्लास्ट्रोडियम डिफिसल बैक्टीरिया क्लॉस्टोडियम डिफिसल बैक्टीरिया है उनके जो इन्फेक्शन के कारण समझो कि डायरिया हुआ है कि डायरिया फॉर्म इन्फेक्शन विथ क्लोस्टोडियम डिफिसल बैक्टीरिया, तो उसके अंदर वो आपको गलती से भी एजिथ्रोमाइसिन नहीं देनी चाहिए बिकॉज उससे डायरिया की सीवियरिटी और बढ़ सकती है फिर अब समझो कि आपके बॉडी में लो अमाउंट है मैग्नेशियम का इन ब्लड फिर लो अमाउंट ऑफ पोटासियम इन द ब्लड कि ब्लड के अंदर पोटासियम का जो लेवल है वो काफी आपका कम है तो ये दोनों कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन को नहीं देनी चाहिए माइस्थेनिया ग्रेविस स्केलेटल मसल्स के डिसऑर्डर से माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कॉन्ट्राइंडेटेड है हीरिंग लॉस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्राइंडेटेड है टॉर्सेट टॉर्चेड द्वार जो हम कहते हैं एंड अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स तो ये सभी कंडीशन के अंदर हम कहें इसके बारे में तो कंप्लीटली हम ये जो सिंबल बनाते हैं कि ये सिंबल जो है वो हम कहते हैं कि वार्निंग के लिए वार्निंग तो डायरिया इसमें भी पेशेंट को नहीं देने चाहिए लो अमाउंट ऑफ मैग्नेशियम है कि डायरिया है इन डिटोक्ट बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम ब्लड पोटेशियम कम है आपके ब्लड के अंदर है स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है लॉस ये सभी के अंदर वार्निंग रहती है एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस की तो ये वाली स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल की उसको अच्छे से याद रखिए ये वार्निंग्स को रिगार्डिंग एजिथ्रोमाइसिन माइसिन so, सो फार्मारोक्स के जो लेक्चर नोट्स है वो आप एक्सेस कर सकोगे अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर आपको फार्मारॉक्स के लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कि जो एंड्रॉय ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पर से भी एक्सेस कर सकोगे सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग जरूर से वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है फार्मारॉक्स का डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स यूज करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ, फार्मारॉक्स गुड लक एंड ऑल द बेस्ट